विस्तार से लोकसभा चुनाव के रण में जोधपुर से भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने जन टीवी संवाददाता जगदीश से खास बातचीत की। हमारे साथ है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो आपकी लोकसभा प्रत्याशी है जोधपुर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी बताइए सर, कैसा रहे देखिए, आज से चुनाव यात्रा का औपचारिक रूप से श्री गणेश होगा। हालांकि पार्टी ने ये घोषणा किए हुए कि मुझे प्रत्याशी के रूप में नामित किया गया है, लगभग 3 सप्ताह से ज्यादा का समय हुआ है। हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठकें, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में अनौपचारिक औपचारिक मिलना, और उसके बाद में क्योंकि एक बड़ा त्योहार अभी निकला होली का, तो कार्यकर्ताओं के सभी विधानसभाओं के स्तर पर बड़े होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम आयोजित किए थे। मुझे इस पूरे कालखंड में लगभग पिछले 1 महीने में राजस्थान के अनेक लोकसभा क्षेत्रों में, जिलों में जाने का अवसर मिला और देश के भी अनेक क्षेत्रों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद में और उससे कुछ समय पहले के बीच में, मैं एक बार जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि जनता मोदी जी को एक बार और पिछली दोनों बार की तुलना में भी बड़े बहुमत के साथ में आशीर्वाद देने का मानस बना चुकी है। मेरा सर आपसे एक सवाल है, पिछली बार आप 3 लाख से ऊपर मतों से जीते, इस बार आपका क्या टारगेट रहेगा, कैसे? देखिए, मैं टारगेट के बारे में, आंकड़ों के बारे में मैं तो कभी बात करता हूं, मैं कभी चर्चा करता हूं। 2014 से 19 तक जिस तरह देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए और राष्ट्रोत्थान के लिए काम किया, उसके आधार पर जब भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष और वर्तमान में गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने नारा दिया अब की बार 300 के पार, तो बहुत सारे मित्र उस पर उपहास उड़ाते थे और उसे अकल्पनीय बताते थे, लेकिन देश की जनता ने उसे भी आशीर्वाद देकर के सफल किया। पिछले 10 साल में देश की जिस तरह से तकदीर और तस्वीर बदली, और आने वाले समय में अब देश इस विश्वास के साथ लवरेज होकर के कि हम देश को विकसित कर सकते हैं, और अब की बार का चुनाव क्योंकि उस विकसित भारत की आधारशिला रखने का चुनाव होगा, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने अब की बार कार्यकर्ताओं के सामने लक्ष्य रखा और देश के सामने संकल्प रखा कि अब संकल्प दिया कि हम अब की बार 400 के पार जाएंगे। और जब 400 के पार की बात करता हूं तो राजस्थान में हमने अब की बार 25 की 25 सीटें एक बार फिर जीत करके हैट्रिक लगाने का, प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देने का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको साकार करने का मानस बनाया। सर, आप ना जैसे जोधपुर संभाग के लोकप्रिय नेता रहे हैं, लोगों के कई आपने समस्या समाधान की, सर इस बार क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी चुनाव में? देखिए, किसी भी क्षेत्र के विकसित होने के लिए आर्थिक गतिविधियां वहां बढ़े, ये प्राथमिकता होती है, और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। जोधपुर में 10 साल पहले कहीं भी कोई किसी भी तरह का 4 लेन एक्सप्रेस वे नहीं था, 4 लेन रोड्स नहीं थी, नेशनल हाईवे रोड्स जी थी वो भी 2 लेन जो है थी, बिना पेव शोल्डर की रोड से। आज जोधपुर चारों दिशाओं से सड़क तंत्र से जुड़ा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, डबलिंग ऑफ रेल लाइंस हो गया है, उसके कारण से हमारे जोधपुर का कम्युनिकेशन चाहे वो गुड्स का हो या पैसेंजर का हो, दोनों को जो है वो आसान हुआ है, सुगम हुआ है। हवाई अड्डे का विस्तार हो गया है, रेलवे स्टेशन नया बन रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, एक मायने में जोधपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पूरा हुआ है। हम जोधपुर और इस पूरे पश्चिमी राजस्थान का औद्योगिक विकास कर सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र जो है हब के रूप में इसको डेवलप करें, इस दृष्टिकोण से हम आने वाले समय में इस डबल इंजन की सरकार में प्राथमिकता देकर के काम। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका कहना है कि जोधपुर स्टेचर पर जो अब की बार जो डेवलप का जो माहौल बनेगा अगर जीतते हैं, तो जनता के जो मायने हैं, जनता की जो मूलभूत समस्या है, जैसे कि आने जाने और तो पानी की समस्या है, वैसे जो इंडस्ट्री की समस्या है, वैसी कई समस्या है, जो उनको मौका मिले तो उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ मैं जगदीश लोहार, जन टीवी जोधपुर।